हाय फ्रेंड, आज मैं आपको एक नई रेसिपी बनाना बता रही हूँ जो कि गुजराती डिश है। उससे बोलते हैं मुठिया, जो उंधियो वगैरह बनाते हैं उसमें भी ये मुठिया डाली जाती है और उससे उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमने क्या क्या लिया है, तो देखिए मेथी की मुठिया बना रही हूँ तो मैंने मेथी ली है बारीक कटी हुई, और कुछ सामान लिया है तो नमक लिया है, जो डेली नमक सफ़ेद नमक रहता है वो, हींग लिए, अजवाइन लिए, गरम मसाला, शकर इसमें ज़रूर डलती है, और मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, और कुछ मसाला लिया है ये सारा। और मैंने थोड़ी सी रवा ली है, आप इसकी जगह तिली भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिया आटा, गेहूं का आटा, और थोड़ा सा सोडा, मीठा सोडा आता है जो खाने वाला, और नमक। तो आइए हम मुठिया बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कटोरा लिया है और उसमें मैं ये सारी मेथी ले रही हूँ जो हमने काट कर रखी है बारीक। और अब मैं इसमें सामान ऐड कर रही हूँ, तो इसमें मैं जो रवा है वो ले रही हूँ, इसमें आप तिल भी ले सकते हैं इसमें, और इसमें मैं नमक ले रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और सोडा ले रही हूँ खाने वाला सोडा जो, अजवाइन ले रही हूँ, और इसमें थोड़ी सी हल्दी ले रही हूँ आधी पिंच हल्दी, और मिर्च ले रही हूँ लाल मिर्च, आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं क्योंकि हम हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी डालेंगे तो आप लाल मिर्च कम ही डालिए। मैंने ये हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, और अब हींग डाल रही हूँ, गरम मसाला डाल रही हूँ, और अब मैं डाल रही हूँ शक्कर। शक्कर से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें गेहूँ का आटा, और अब लास्ट में डाल रही हूँ मैं तेल, इसमें मोइन के लिए तेल डाल रही हूँ, तो मैं इसमें 2 चम्मच भर के तेल डाल रही हूँ। और अब हम इन सबको अच्छे से मिलाएंगे, तो इस तरीके से हम मिलाएंगे अच्छे से, ये देख सकते हैं आप। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छा आटा तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा हमें आराम से पानी डालना है, हमें एकदम से इसमें पानी नहीं डालना। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमारा डो तैयार हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा डो तैयार हुआ है हमारा, हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको डो को तैयार करा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी मुठिया बनाएंगे, तो इसको अच्छे से हम थोड़ा सा हाथ में, चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं हम हाथ में थोड़ा सा इस तरीके से, ये देखिए। और अब इसको हम लेंगे इस तरीके से हाथ में, और छोटी छोटी हमें लोई तोड़ना है, तो इस तरीके से हमें हाथ में लेकर मुठिया बनाना है, ये देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी, हमें ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाना, इस तरीके से हाथ में लेके और ऐसे उंगलियों की मदद से प्रेस कर देंगे, ये देखिए मुठिया बन गई। देखिए मैंने सारी मुठियाँ इस तरीके से सारी आधी करके रखी है, आपको बता रही हूँ मैं, अब मैं इनको ऑयल में तल। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमने कढ़ाई को रख दिया गरम होने, तो हम चेक करेंगे हमारी कढ़ाई गरम हो गई है या नहीं, ये देखिए तो हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है। तो हमें ये सारी जो हमने मुठियाँ तैयार करके रखी है ये सारी हम धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे, देखिए गैस को हम थोड़ा मंदा कर देंगे क्योंकि हमारा तेल गर्म बहुत हो चुका है, हम सारी मुठियाँ इसमें डाल देंगे इस तरीके से। बनाई है कि ये देखिए फूलने लगती है, ये देखिए, तो हम धीमी आंच पर ही इनको सेलो फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमारी मुठिया कितनी अच्छी तला रही हैं, तो इसमें कलर आ रहा है। अभी इनको क्या है, हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से क्रिस्पी होने तक
तलेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी सारी मुट्ठियों का कलर भी ब्राउन हो गया है और अच्छी ये दिख भी रही हैं ब्राउन जैसी। हमें ज़्यादा और तेज नहीं तलना इनको, क्योंकि ये फिर काली काली सी हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं आप, बस हमें 2 से 3 मिनट तक ही इनको अच्छे से तलना है और फिर हमें सारी मुठिया को निकाल लेना है एक प्लेट में। तो देख सकते हैं अब हम, जो देख सकते हैं फ्रेंड, हमने मुठिया को निकाल लिया है। देखिए कढ़ाई में से, देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी, मैं आपको इसको तोड़ के बताती हूँ। देखिए ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी और कितनी क्रंची लग रही है देखने में, और ये खाने में भी, गुजराती डिश है तो ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगी। तो मैं थोड़ा सा चेक करती हूँ कैसी है। बहुत ही यम्मी और बहुत ही उम्दा है ये, मतलब इसमें शक्कर डाली है तो उसका इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है फ्रेंड, आप मानोगे नहीं। तो सुबह आप ये नाश्ता में बना सकते हैं और ये बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। तो फ्रेंड आप ये गुजराती डिश ज़रूर बनाइए। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, देखिए हमारी मेथी की मुठिया बनकर तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में, ये खाने में भी फ्रेंड बहुत ही टेस्टी हैं। और आप कोई भी चटनी, सॉस या नींबू का अचार से आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगी सुबह का नाश्ते में। और फ्रेंड आप ये ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।